वादा वादा करिए मुझसे काबुल शहर को वापस फतेह हासिल कराएंगे। वादा करिए नापाक परछाई को हटा के फिर से अमन और शांति का झंडा लहराएंगे हमारे काबुल शाही पर। अब आपको कुछ नहीं, अब हम कुछ नहीं होने देंगे। वादा करिए हमसे मरियम। अबू, 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 मरियम, अबू, नहीं, नहीं अबू, 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 आ, 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 आगे बढ़ो काबुल के जवानों। ये कैसे दुश्मन से मुकाबला करने आए हैं? कितने दिलेर हैं आप अजीज, 40 चोरों को मारने के लिए खंजर तेज कर रहे हैं। आपके अबू ने कुछ किया हो या ना किया हो अपनी जिंदगी में, पर आप जरूर कुछ खतरनाक करेंगे। उन्हें मारने के लिए नहीं, खुद को उनसे बचाने के लिए इस खंजर की धार तेज कर रहा हूं मैं। बेवकूफ। मैं तो कहती हूँ अजीज, सब कुछ छोड़ छाड़ के काबुल शाही रवाना होते हैं। यहाँ बहुत खतरे हैं और इस वक्त काबुल शाही से ज्यादा महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती। कितने भी बड़े 40 चोरों पर काबुल शाही के महल में दाखिल होने की हिम्मत नहीं कर सकते वो। जाओ जाके देखो कौन है। आप देखिए ना, आपने तो खंजर की धार भी तेज करके रखी है। फातिमा तुम? अली तुम फौरन घर के सभी लोगों को लेकर किसी महफूज जगह निकलो। जोरावर ने भड़का दिया है आवाम को आपके खानदान के खिलाफ। दिमाग खराब हो गया है सबका, हुजूम किसी भी वक्त यहाँ आता होगा। अब फौरन यहाँ से निकलिए। हाय। मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? तुम्हें अपने लिए इतना फिक्रमंद देख के मजा ही आ गया। शाही सड़क की एक शाही लड़की मामूली गली के अली को बचाने के लिए आई। तुम्हारी ये बात ना दिल को छू गई। अब शाही सड़क के लोगों के ना डंडे खाएंगे तो और मजा आएगा। बातें बनाना बंद करिए और निकलिए यहाँ से। हम लोग निकलते हैं, लेकिन इससे पहले तुम निकलो। किसी ने अगर तुम्हें यहाँ पे मुझे इख्तला करते देख लिया तो मुसीबत में पड़ जाओगी। खुसरो के घर की बगल वाली गली से दाएं मुड़ जाना, महफूज रहोगी। शुक्रिया।
शुक्रिया। इन्होंने 40 चोरों के बारे में अफवाह फैलाई है। निकालो बाहर इन्हें, निकालो इनका चारे। ठहरो, अपने कमरे में जाओ, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो। कुछ भी हो जाए, घर के बाहर कोई नहीं आएगा। अपना सामान बांधो और निकलो परवाज से। बाबा अकेले हैं बाहर, हम उनकी मदद करने जा रहे हैं। चल पोया, मार। सुना नहीं क्या कहा बाबा ने? बाहर नहीं जाना है, अंदर बैठो चुपचाप। हमें नहीं चाहिए ऐसे झूठे फरे भी लोग हमारे इलाके में। घबराओ, जाओ यहाँ से। चाचा, आप मुझे और मेरे परिवार को बचपन से जानते हो, तो फिर आप हमें फरेबी कैसे बोल सकते हो? और चाचा, आप तो खास हुआ करते थे ना मेरे अब्बू के। जब आपका बेटा बीमार पड़ा था तो हकीमों के चक्कर मेरे अब्बू ने लगाए थे आपके साथ, आप हमसे कैसे खफा हो गए? मेरा पूरा खानदान हमेशा मामूली गली के साथ रहा है। मैं, मेरे भाई जान, मेरी भाभी जान, मेरे बच्चे, हम सब ने हमेशा आप लोगों के साथ ही त्योहार मनाया, तो फिर ये अफवाहें मान के आप हमसे खफा कैसे हो गए? इसलिए तो खफा है सब आपसे, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने अपना समझा वो खानदान ही धोखेबाज निकला। तकलीफ तो तभी होती है ना जब कोई अपना दिल दुखाता है। इतना बड़ा धोखा दिया आपने और आपके अब्बू जान ने हम सबको। इतना बड़ा झूठ वो कैसे कह सकते हैं अपने ही दोस्तों से कि उन्होंने 40 चोरों को मार दिया? और क्यों, चंद झूठी तारीफों के लिए? लेकिन सच ज्यादा वक्त तक छुपता नहीं है बिरादर, और सबको पता चल चुका है कि 40 चोर मारे नहीं गए थे, वो आ रहे हैं। आपके अब्बू के फरेब की सजा अब पूरा परवाज भुगत रहे। परे भी नहीं थे वो, परे भी नहीं थे वो। परे भी नहीं था वो। ये बात सब जानते हैं, सब वाकिफ है इस बात से। अपनी जान की परवाह किए बगैर आप सबकी हिफाजत के लिए उन्होंने 40 चोरों को खत्म किया था। अरे खत्म कर दिया था तो जिंदा कैसे हो गए? आपकी दादी चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी कि वो आ रहे हैं। अब हम ये भी मान लें कि आपकी दादी जान झूठ बोल रही थी।
मेरी प्यारी भांजी अजीज जीजा जी के साथ। कितना दिलकश नजारा है, जीजा जी सुकून से सो रहे हैं और लोग रो रहे हैं। मरियम, चीखे सुन रही हो तो? चीखे सुनाई दे रही? ये चीखे नहीं है, ये मेरे कानों में बजता हुआ संगीत है, राज है, साज है। सुना तुमने मेरी फतेह का? चलो हबीबी, चलो चलो चलो, तू कुछ नहीं करेंगे। चलो ना, तुम जिनका तोहफा हो, अमानत हो, हम उन्हें सौंप दें। सद्दाम, अब्बू, हमारी बेटी को छूने की जुर्रत कैसे की गद्दार? जा मेरी बच्ची, चली जा यहाँ से और अपने आप को महफूज रखना। जा, अब जा। चलिए हमारे साथ, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। और यार जाओ। नहीं अब्बू, नहीं। कसम है आपको आपके अब्बू की कि आप हमारी काबुल पर फिर से फतेह हासिल करेंगी। जाइए यहाँ से, जाइए। जाइए यहाँ से, जाइए। ये पूरा खानदान ही झूठा फरे भी है, निकालो सबको घर से बाहर। चार महल के लिए काफी हैं। बाकी सब काबुल में तबाही फैला। ढूंढो वो तालिस्मान। आ!
भाईजान दरवाजे खोलिए। खुसरो भाईजान। क्या हो गया? खुसरो भाईजान, जोरावर ने आवाम को भड़का दिया है। सब लोग अली बाबा और उसके परिवार को घर से बाहर निकाल रहे हैं। क्या? हाँ। चल 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 चल। कौन है? दरवाजा खोल। दरवाजा खोल। खोल दरवाजा। कौन है? खोलो। अरे कोई है बाहर? किसने बंद कर दिया ये? मरियम, तुम्हारी दिलेरी देखकर दिल से एक ही आवाज आती है, सुल्तान सलामत रहे। पीछे हटो सब यहां से, मेरे घर की दहलीज पे कोई कदम नहीं रखेगा। निकलो यहाँ से। तोड़ो दरवाजा, निकलो सबको बाहर। कोई आगे नहीं आएगा, कोई खानदान को हाथ नहीं लगाएगा मेरे। पिछड़ो सब। ये ऐसे नहीं मानेगा। जलाओ मशाल और इससे इसके घर के साथ जला के खाक कर दो। चलाओ मशाले भी जला ली, सबको जलाने पर उतर आए हैं। डर मत इमाद, अगर इन्होंने मशाल उठाई है तो हम भी हथियार उठाएंगे। पता है बाबा ने हमको जाने से मना किया और अब भी हमें जाने से मना करेंगे, लेकिन जब बात बाबा की हिफाजत की हो तो हम किसी और की क्या अपनी भी नहीं सुनते। इस घर में जादू है, हाँ कोई बुरा इंसान नहीं आ सकता। फिलहाल डर बुरे इंसानों का नहीं है गुलरेस, शरीफों का है। तो यहीं रुको, बिल्कुल भी मत घबराना।